इस समय हम मौजूद हैं जफराबाद विधानसभा की। बात करें तो चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी सरगर्मियां अब आसमान छूने लगी हैं। बात करें इस समय हम मौजूद हैं जफराबाद विधानसभा के जमैथा गांव में। बात करें तो यहां से सत्ताधारी दल से विधायक हैं डॉक्टर हरिंदर सिंह। बात करें नए परसीमन आने के बाद इस सीट पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन 2017 में परिवर्तन देखने को मिला और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह चुने गए। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में डॉक्टर हरेंद्र सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी को कितना लोग पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? ये बताएं कि 2022 विधानसभा चुनाव में मात्र गिने चुने दिन रह गए, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा कि सरकार बदल जाएगी? सरकार भाजपा सरकार, क्यों ये सरकार ऐसा क्या कर दी कि इसको एक बार जनता फिर चुन रही है? ये सरकार लॉकडाउन के समय में जहाँ पे गरीबों को जो भी सोशल मीडिया पे वायरल मैसेज गया था कि गरीबों को भगाया जा रहा है या उनको जाने आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है, बस नहीं मिल रही या कहीं भी जो भी बाहर देश में मतलब प्रदेश में रह रहे हैं उन लोग को दिक्कत थी, लेकिन भाजपा सरकार ने लॉकडाउन पीरियड में भी आम जनता जो भी जो कमाने वाला था जो या बिना कमाने वाला था सबको राशन प्रोवाइड किया है, खाने को मुहैया करा है। अच्छा बताया कि बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं? बेरोजगारी महंगाई मुद्दा हर देश में है, चाहे भारत हो चाहे कोई देश हो। बेरोजगारी और महंगाई का प्रभाव 2022 चुनाव में पड़ेगा कि नहीं? नहीं वो नहीं। चलिए आप बताएं इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनेगी? बिल्कुल परिवर्तन बनेगा सर। क्योंकि माय नेम इज अश्विनी कुमार सिंह, यस, और बिल्कुल परिवर्तन मिलेगा क्योंकि मोदी जी के सरकार में ऐसा सुविधा मिली है जो कि हमें किसी सरकार में नहीं मिली। क्या सुविधा मिली? दो सुविधा ये मिली है सरकार की, जो गरीब खाने वाले लोग थे, मरने वाले लोग थे, उन लोगों से मुझे इतना मतलब प्रेरित उनकी भावना है कि गरीब लोग भी बोलते हैं कि हर बार मोदी ही सरकार आए। बस यही हमारी दुआ है ऊपर वाले से या अपने भाईजनों से कि बस हर बार ही मोदी ही सरकार आए। समाजवादी पार्टी सरकार कह रही है कि इस बार मुस्लिम और यादव सब हमारे साथ है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो लोग तो उन लोगों का रोज का कहना है, लेकिन जो करते हैं उनको देखना है ना, जो करें उनको देखना है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें इस सीट की तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल निकल रहा है कि सपा की साइकिल? बिल्कुल कमल निकल रहा है। कमल कचड़ में भी खिलता है, लेकिन उसको साथ सिर्फ कमल ही कहते हैं, कोई कचड़े का कमल नहीं कहता, उसका कमल ही नाम रहता है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक इतिहास सा रहा है कि हर 5 साल बाद यहाँ सरकारें चेंज हो जाती हैं, 5 साल होने को है, क्या लग रहा है? नहीं, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ योगी और योगी हैं, योगी और मोदी, मोदी जी, योगी जी हमेशा बरकरार रहें, यही हमारे दिल से दुआ है। अगर बात करें यहाँ जफराबाद विधानसभा के जमैथा गांव की, यहाँ से सत्ताधारी दल से विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह, पिछले 5 सालों में कितना विकास किया? जैसे विकास आपने बताया कि बहुत किए, तो दो विकास गिनाते हैं आप? हमारा पुल चालू किया जो 10 साल से बंद था, मायावती की सरकार में 15 साल था, 12-13 साल लगभग उसके हो गया। आपको जानकारी है मायावती की सरकार में हुआ? जी आपको जानकारी है, जगदीश नारायण राज जी टाइम मंत्री थे, उन्होंने उनका किया। बात करें तो विपक्षी दल का कहना है कि उस पुल का टेंडर हो गया था हमारी पार्टी में? नहीं नहीं, वो तो उसी मायावती की सरकार में हुआ था टेंडर उसका जी, सपा की सरकार में कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद मंत्री भी थे, महंगाई बढ़ने से बंद हो गए, उनका काम भी निकला है, 5 साल शासन निकल गया इनका, बीजेपी आई काम करवाई। ये रोड आप देख रहे हैं ये भी डॉक्टर हरेंद्र ने बनवाया है। अगर बात करें तो पिछले 5 साल में यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा कि इसी जफराबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का जरूर जीतेंगे डॉक्टर साहब, जरूर जीतेंगे और कमल जीतेगा और हम लोग सरकार बनाएंगे। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है और नाम निकल कर आ रहा है कि जैसे सपा से जगदीश नारायण राय या सुभाषपा से डॉक्टर जेपी सिंह आ रहे हैं, कितना टक्कर दे पाएंगे? कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर उनकी, किसी से टक्कर नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार यम और वाई हमारे साथ है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, लेकिन पूरे नहीं। अगर बात करें स्वामी प्रसाद में भी फूट है, वो भी हमारे साथ है, थोड़ी वाई में भी फूट है जो हमारे साथ है, और पब्लिक तो है ही है। क्या 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 आपका नाम है? मेरा नाम सुभाष है। अच्छा ये बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से सपा में चले गए तो क्या सब मौर्य बस्ती सपा में चले जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ भी जाएंगे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, और सब मौर्य हमारे साथ है, तो अपने मौर्य सीएम को देख रहे हैं कैसे प्रकार में, उस मुख्यमंत्री कैसे प्रकार में, सबका साथ ही विकास हुआ है,
हर गांव के सब संतुष्ट हैं, हमारे डॉक्टर हरेंद्र ने सब बीजेपी में ही अपना वोट कर दिया। सब डॉक्टर हरेंद्र यहाँ के स्थानीय विधायक से खुश हैं, एक बार फिर से उनको आप लोग चुन रहे हैं? अगर जैसे बात करें तो सब विपक्षी दल का साफ साफ कहना है कि पिछले 5 सालों में बेरोजगारी और महंगाई आसमान छूने लगी। वो तो बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी तो नहीं है, कोरोना काल से कुछ अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ थी उसमें सब चले आए हैं, नहीं तो पढ़े लिखे लड़कों को एक एक लड़कों को कितनी रोजगार मिल रहा है। कहाँ बेरोजगारी नहीं है, जो घर पे हैं जो लेबर टाइप के हैं उनको थोड़ा दिक्कत हुई थी, लेकिन उनको फ्री में राशन, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में गैस मिल रही है। अगर बात करें तो यहाँ से सत्ताधारी दल से विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह के पिछले 5 सालों में कितना विकास किए हैं, किन्हीं तीन विकास को गिना दे, किन्हीं दो या तीन विकासों को आप गिना दे। 12-13 रोड है जी, बिजली है, बिजली है देखें जी, ट्रांसफार्मर भी लगा दें, ट्रांसफार्मर जहाँ भी लग रहा है वहाँ पूरा 2-3 घंटा या 1 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर तुरंत लग रहा है, और जहाँ शौचालय नहीं, शौचालय के 400-500 शौचालय दिए, और जो पक्का मकान है उसके पास नहीं है वो दिलाए हैं, और बकरी पालन का भी दिलाए हैं छोटे बिरादरियों को भी, जो हो रहा है सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो नहीं, विपक्ष तो कहता है कि पिछले 5 सालों में महंगाई आसमान छूने लगी। विपक्ष को तो चिल्लाने की आदत है, चिल्लाएगी, 10 रुपया कमाते हैं चिल्लाएगी तो चिल्लाएगी। अगर बात है नहीं है, विपक्ष है नहीं सामने, विपक्ष सामने नहीं है, नहीं चल रही है। अगर सीधा सीधा बात करें तो एक चुनावी सर्वे के दौरान साफ साफ उत्तर प्रदेश में निकल के आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में केवल सपा बनाम भाजपा लड़ाई है, तो क्या लग रहा है आपको इस सीट पर? तो डॉक्टर हरेंद्र, क्यों डॉक्टर हरेंद्र को इतना पसंद किया जाए? उन्होंने इस मतलब कि क्षेत्र में सबसे अधिक काम डॉक्टर हरेंद्र ने, कोई भी चीज़ मतलब कि अभी फोन कर दीजिए ट्रांसफार्मर की दिक्कत है, एक मिनट मतलब मुश्किल से 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाएगा, रोड दे दिए, पुल इतना 15 साल से रुका था, पुल दे दिए जो कि जौनपुर से ये आजमगढ़ के लिए एकदम सुलभ हो गया है, जो हम लोग 15-20 किलोमीटर रेंज में घूमते थे वो 2 किलोमीटर में। अभी अब हम बात करें, यही मैं चुनावी सर्वे कर रहा था, कुछ लोगों ने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाया कि वो कभी किसी के दरवाजे नहीं आते। ऐसा कुछ नहीं, किसी के मरनी किसी कुछ भी प्रमुख को जैसे जानकारी मिलती है वो पहुँच जाते, ऐसा कुछ। अगर यहाँ से सीट की बात करें तो डॉक्टर हरेंद्र 100% अगर समाजवादी पार्टी जगदीश नारायण राय को टिकट यहाँ से देती है तो कितना चैलेंजिंग आप लोग? नहीं नहीं, डॉक्टर निकल, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जमैथा के कुछ लोग, जिनका साफ साफ कहना है कि जफराबाद विधानसभा से डॉक्टर हरेंद्र कहो दिल से एक बार फिर से। मैं सरत सिंह, जौनपुर।